नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। सुबह 11:15 पर प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे। पूर्वान 11:30 प्रधानमंत्री श्री संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, जहां वह वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। वर्ष 2014 के बाद से पीएम ने सड़क, रेल, विमान, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शहरी विकास और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करके वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पीएम वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए पीएम एनएच 233 के धरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे एनएच 56 के सुल्तानपुर वाराणसी खंड को 4 लेन का बनाना, पैकेज 1, एनएच 19 के वाराणसी औरंगाबाद खंड के चरण 1 को 6 लेन का बनाना, एनएच 35 पर पैकेज 1 वाराणसी हनुमान खंड को 4 लेन का बनाना और वाराणसी जौनपुर रेल खंड पर बाबतपुर के निकट ROP सहित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे पैकेज 1 के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। UPSIT एग्रो पार्क करखियाव में विभिन्न बुनियादी ढांचे का कार्य और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें रमना के NTPC द्वारा शहरी कचरे से चारकोल संयंत्र, सिस वरुण क्षेत्र में जल आपूर्ति नेटवर्क का उन्नयन और STP व सीवरेज पंपिंग स्टेशनों की ऑनलाइन अपशिष्ट निगरानी और STP व सीवरेज पंपिंग स्टेशनों की ऑनलाइन अपशिष्ट निगरानी और SCADP स्वचालन भी शामिल है। पीएम वाराणसी के सौंदर्यीकरण के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें तालाबों के कायाकल्प और पार्कों के पुनर्विकास परियोजनाएं एवं 3D शहरी डिजिटल मानचित्र और डेटाबेस के डिजाइन एवं विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 आध्यात्मिक यात्राओं के साथ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और पावन पथ के 5 पड़ावों पर सार्वजनिक सुविधाओं का पुनर्विकास, वाराणसी और अयोध्या के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन जहाज का शुभारंभ और 7 चेंजिंग रूम फ्लोटिंग जेटी तथा 4 सामुदायिक जेटी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन हरित ऊर्जा के उपयोग के साथ गंगा में पर्यटन के अनुभव को बढ़ाएगा। पीएम मोदी विभिन्न शहरों में IWAI के तहत सामुदायिक घाटों और बलिया में त्वरित पोन्टून उद्घाटन तंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।